देखेंगे अपना नया टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा, और इस टॉपिक के अंदर ये अपने फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि आपके कुछ अच्छे अच्छे ग्राफ्स आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा, तो वहाँ पे आपको स्लोप्स के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो बेसिकली मैक्सिमा मिनिमा से अपन स्लोप डिफाइन करेंगे। स्लोप मींस ऑलरेडी वी हैव डिफाइंड द स्लोप विच इज योर डीवाई बाई डी एक्स। अपन इससे एक स्टेप आगे निकलेंगे, अपन सेकंड डेरिवेटिव पे चलेंगे। अपने डबल डिफरेंशिएशन भी पढ़ चुका है, तो अपने को सेकंड डेरिवेटिव निकालना अपने को ऑलरेडी आता ही है। तो अपन सेकंड डेरिवेटिव से इसमें यह निकालना देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कैसे हो रहा है। मतलब कि सीधे शब्दों में, इन लेमैन्स वर्ड, इफ सपोज आई वॉन्ट टू से दिस, तो मैं कैसे बोलूंगा कि अपन मैक्सिमम मिनिमा से ये देखेंगे कि कब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा और कब ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, है ना। ग्राफ का अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट अपन मैक्सिमम मिनिमा से देखेंगे, और साइमल्टेनियसली स्लोप के बारे में भी अपन यहाँ पे देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, ये कर्व आपको दिया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। लेट सपोज दिस कर्व इज एफ एक्स। एज ऑफ नाउ वी कैन अज्यूम दिस कर्व एज एफ एक्स। तो अब ये कर्व अगर आपको दिया हुआ है, तो अपन सबसे पहले तो इसके अंदर स्लोप देखते हैं हर पॉइंट पे कि स्लोप क्या होती है। या उससे भी पहले अपन कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। मैक्सिमम मिनिमा में कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और उसके अलावा और भी जो भी सब टर्म्स होती हैं अपन यहाँ पे देखेंगे। ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, कुछ छह टर्म्स होती हैं, तो उन छह की छह टर्म्स को अपन यहाँ पे देखते हैं। तो अब जैसे अपन सबसे पहले देखा, तो दो पॉइंट्स मैंने मार्क किए, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स पीक हैं। ये वाला पॉइंट तो इस ग्राफ की पीक है, और ये बाउंड्री पॉइंट है। तो ऐसे पॉइंट्स जो कि बाउंड्री पॉइंट्स होंगे या फिर उस ग्राफ के टॉप मोस्ट पॉइंट होंगे, उनको अपन क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा। ये भी क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा। वाला पॉइंट भी क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा। अच्छा, अब दो पॉइंट और अपने को मिल सकते हैं, एक तो ये और एक ये, ठीक है। एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ के जो बाउंड्री पॉइंट है और जो लोएस्ट पॉइंट है, उनको अपन क्या बोल सकते हैं, लोकल मिनिमा। तो दो पॉइंट मैंने मार्क कर दिए, और एक बाउंड्री पॉइंट हो गया और एक ये ग्राफ का मिनिमम पॉइंट हो गया। तो इस तरह से अपन ने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को बताया। और सीधे शब्दों में और अपन इसको बोले, लोकल मैक्सिमा क्या होता है, अपने नियरेस्ट दोनों वैल्यू से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होगी, लोकल मैक्सिमा। और अपने नियरेस्ट जो दोनों वैल्यूज होंगी उनसे छोटी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लोकल मिनिमा। तो अब जैसे ये वाला जो पॉइंट था लोकल मैक्सिमा का, यहाँ पे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू से ये वाली जो वैल्यू है ये बड़ी है, इसलिए अपन ने इसको क्या कह दिया, लोकल मैक्सिमा। जो ये वाली वैल्यू है ये इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू से छोटी वैल्यू है, अपने नेबरहुड वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, तो वो मिनिमा हो गई। और जो अपने नेबरहुड से बड़ी वैल्यू हो गई वो क्या होगी, लोकल मैक्सिमा हो गई। फिर इसके बाद अपन ने क्या किया, इसमें स्लोप निकालने के लिए अपन ने लाइंस ड्रॉ करी। तो सबसे पहली लाइन अपन ने लगाई ये। अब यहां पे अगर मैं आपसे स्लोप पूछ रहा हूं, तो स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अपन कैसे देखेंगे, अपन ने ऑलरेडी सारी चीजें सीख रखी हैं। तो यहां पे स्लोप कैसी आ गई अपनी, नेगेटिव। आपको नेगेटिव का साइन दिख रहा है यहां पर, यह अपनी स्लोप कैसी आई है, नेगेटिव। फिर अपन ने यहां पर स्लोप देखने की कोशिश करी, यहां पर स्लोप कितनी आ रही है, पॉजिटिव। तो अपन ने क्या देखा, जब मिनिमा कहां पे आकर करेगा, जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अपन मूवमेंट करेंगे, तो अपनी स्लोप कैसी, अपना जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, मिनिमा होगा, ठीक है। फिर अपन ने यहां पे स्लोप देखने की कोशिश करी लोकल मैक्सिमा के आसपास में, अपन ने देखा कि भी स्लोप कैसी आ रही है, तो यहां पर स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव। फिर उसके नेबरहुड में अपन ने देखने की कोशिश करी स्लोप, तो वहां पर कैसी आ गई, स्लोप नेगेटिव। तो जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अपन जाएंगे, तो जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। इसको अपन इस तरह से भी देख सकते हैं, जब भी स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगी तो लोकल मिनिमा होगा, और जब स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी तो पॉइंट क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे क्या स्लोप होगी और एक इस पॉइंट पे क्या स्लोप होगी, ठीक है। अगर ये इसको मैं, आप इसको स्ट्रेट लाइन अज्यूम कीजिए, अगर मैंने आपके सामने ये दो पॉइंट बनाए हैं, ये काइंड ऑफ टेंजेंट है जो कि इस पॉइंट से टच करते हुए निकल रही है, ये टेंजेंट है जो इस पॉइंट से टच होते हुए निकल रही है, और ये दोनों के दोनों टेंजेंट जो है एक्स के पैरेलल हैं। तो अपन ने जब वेरिएशंस ऑफ स्लोप पढ़ रहे थे, तो जब भी ऐसी कोई भी टेंजेंट थी जो एक्स के पैरेलल हो रही थी, तो वहां पर स्लोप क्या हो रहा था अपना, जीरो, क्योंकि यहां पर थीटा क्या है, जीरो। तो यानी कि यहां पर
जीरो स्लोप है, m इज इक्वल्स टू जीरो है यहां पे, ठीक है। तो ये चीज हो गई लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में। अच्छा अब अपन इसके अंदर और चीजें देखते हैं। अब सपोज मैं ये वाला पॉइंट मार्क करूं x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, जब ये x एक्सिस पे आएगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड दिस इज मिनिमा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो इंडिपेंडेंट वैल्यू थी और ये डिपेंडेंट वैल्यू थी। आगे डेफिनेशन में भी अपन ये वाली चीज कवर अप करेंगे। फिर अगर मैं यहां इस वाले पॉइंट को एक्स कोऑर्डिनेट पर वाई कोऑर्डिनेट पर डालूं तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, अपना मैक्सिमा। यानी कि ये इंडिपेंडेंट वैल्यू है और ये डिपेंडेंट वैल्यू है। जब जब आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई मिलेगा, कुछ इस तरह से। जब जब आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की वैल्यू को पुट करेंगे तब तब आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा। जब जब आप पॉइंट ऑफ मिनिमा की वैल्यू को पुट करेंगे तब तब आपको क्या मिलेगा, मिनिमा। तो अभी तक अपन ने इतनी चीज देखी। अब इसके अंदर अपन जब अपने को इतनी चीज समझ में आ गई तो फिर अपन इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, अपन इसके अंदर लिख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, dy by dx equals to 0 and dy by dx मतलब सेकंड डेरिवेटिव जो है लेस देन 0। और मिनिमा की कंडीशन क्या हो गई कि फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 हो और सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो। तो बिल्कुल ये वाली बात यहां से अपन सेटिस्फाई कर सकते हैं। यहां पे देखिए, जब मिनिमा पे अपन थे तो मिनिमा पे क्या हो रहा था, यहां पे तो स्लोप क्या थी, 0। तो यानी कि dy by dx कितना हो रहा था, 0 हो रहा था, और यहां पे हो क्या रहा है, स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है, यानी कि इंक्रीज हो रही है। तो सेकंड डेरिवेटिव कैसा होगा, जब भी स्लोप इंक्रीज होती है तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। तो अपन लिख सकते हैं मिनिमा के केस के लिए कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये मिनिमा की कंडीशन हो गई। इसी तरह से मैक्सिमा के अंदर अपन देख रहे थे कि यहां पर तो स्लोप 0 आ रही थी, तो डी वाई बाय डी एक्स कितना हो गया था, अपना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे अपनी स्लोप 0 आ रही थी, अपन ने वहां पे टेंजेंट डाल के देखा अपना स्लोप कितना आया, 0 आया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो क्या हो गया, 0, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव क्या हुआ, देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव में जब भी जाती है तब सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तब तब अपन क्या लिख सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है या मैक्सिमा है, अगर अपने को इतनी चीजें समझ में आती हैं। तो वही चीज अपन ने यहां पे लिखी हुई है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, आप कॉपी में अपनी प्लीज नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये अपने को याद भी रहना चाहिए और अपन ने ग्राफ से समझ लिया कि ये वैल्यू आ कैसे रही है। तो यहां पे क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की कंडीशन आप लिखिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0, दैट मींस dy by dx इक्वल टू 0 एंड योर सेकंड डेरिवेटिव शुड बी लेस देन 0। फिर मिनिमा की कंडीशन क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव तो इसमें भी 0 रहेगा और सेकंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। आप नोट कीजिए फिर अपन आगे की चीजें देखेंगे। तो आप लोगों ने इतनी चीजें नोट करी, अब इसके बाद अपन देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज जो मैंने आपको बताई थी, उन टर्मिनोलॉजीज को इसको भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा अपनी अपनी कॉपीज में। तो जो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी हो क्या है, लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा के बारे में क्या लिखा हुआ है, इट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज ग्रेटर देन इट्स नेबर। तो अपन ने देखा था जब पीक पॉइंट वहां पे आया था लोकल मैक्सिमा का, तो अपने नेबरहुड के वैल्यूज से वो ज्यादा होनी चाहिए उस ग्राफ पे वैल्यू, ठीक है। यहां पे अपन ने देखा था इस पॉइंट पे, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं आपकी ये और साइमल्टेनियसली इस वाले पॉइंट के लिए। तो यहां पे आप देख रहे हैं इस पॉइंट, अगर आपको इस वाले पॉइंट पे वैल्यू देखनी है तो ऑब्वियसली ग्राफ पे इस वाले पॉइंट पे वैल्यू ज्यादा है अपने नेबरहुड से। तो वही चीज यहां पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, अपने पास वाली वैल्यू से बड़ा जो वैल्यू होगी उसे लोकल मैक्सिमा कहेंगे, और लोकल मिनिमा क्या हो जाएगा, जो अपने पास वाले नेबरहुड वैल्यू से जो छोटी होगी वो क्या होगी, आपकी लोकल मिनिमा होगी। फिर ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब जो अपने सारी वैल्यूज से बड़ा हो, जैसे कि अगर अपन इसी ग्राफ के अंदर अपने को लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का मतलब सिर्फ इतना सा है, यहां पे अपनी कितनी वैल्यूज है मैक्सिमा की, दो, एक तो ये है लोकल मैक्सिमा और एक मैंने क्या बताया था, बाउंड्री पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स पे एक लोकल मैक्सिमा ये हो गई। तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी, देखिए ये वाली वैल्यू ग्राफ पे
y एक्सिस पे कुछ इधर आ रही है, ठीक है, ये वाली लाइन आ रही है इसकी, और इसकी लाइन ये है, तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो अपना ग्लोबल मैक्सिमा कौन सा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये अपना क्या हो जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। फिर ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा का मतलब जो कि जितने भी मिनिमा है उनमें से सबसे छोटी वैल्यू, तो यहां पे अपना एक लोकल मिनिमा आया था और एक लोकल मिनिमा ये, क्योंकि ये अपना बाउंड्री पॉइंट है। तो अब आप इस पे वैल्यू देखें, यहां पे एक वैल्यू ये आ रही है और एक वैल्यू अगर मैं ऐसे डॉटेड लाइन लेकर के जाऊं इस पे, तो एक ये आ रही है, तो एक वैल्यू तो यहां आ रही है वाई एक्सिस पे, एक वैल्यू यहां आ रही है, तो जो वैल्यू सबसे छोटी होगी वही क्या होगी, ग्लोबल मिनिमा। तो ये वाले पॉइंट पर सबसे छोटी वैल्यू आ रही है, तो यानी कि इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगा, ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। तो अपन ने यहां तक की टर्मिनोलॉजी तो पढ़ ली, अब उसके बाद आप दो नए टर्म्स आ रहे हैं अपने पास, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा अपन ने क्या बोला था, द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेयर मैक्सिमा अकर्स, ठीक है। तो अपना सबसे पहले पॉइंट लोकल मैक्सिमा ये था, ये अपना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा था, तो इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और ये जो वैल्यू आ रही है मैक्सिमा वो इस पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। एक्स की इस वैल्यू पे अपने को वाई की ये वैल्यू मिल रही है मैक्सिमा पे, तो यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हमेशा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसपे अपने को क्या मिलेगा, एक डिपेंडेंट, जो कि क्या होगा आपका मैक्सिमा, सिमिलर विद द केस ऑफ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अपन आप इन छह डेफिनेशंस को नोट करिए अपनी कॉपी में, क्योंकि ये आपको समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और बहुत इजीली अपन ने मैक्सिमा मिनिमा के बारे में समझा। अब इसके बाद अपन कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तब तक आप ये वाली पहले डेफिनेशंस नोट कीजिए, फिर अपन तीन चार एग्जांपल्स देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर।